बच्चों गुड मॉर्निंग, संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। आज का लेसन हम एक सुविचार के साथ में शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जीवन की किसी भी परीक्षा को पार करने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उससे अधिक शक्ति से संपन्न आप हैं। बच्चों निश्चित ही हम सब अनंत शक्ति के स्रोत हैं। आवश्यकता है हमें अपनी शक्ति को पहचान कर प्रयास करने की। गुड मॉर्निंग। आज हम अपशिष्ट पदार्थों का जो बच्चों आज हमारा जो पाठ सामग्री है वह है अपशिष्ट पदार्थ या बेस्ट डिस्पोजल्स, अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें उपयोग के बाद हम फेंक देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि मानव की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मानव की जनसंख्या बढ़ने से जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका अतिदोहन या उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पा रहा है, उनके साथ में छेड़छाड़ हो रही है। इस कारण से अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा भी प्रकृति में बढ़ रही है। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ, चाहे वह घर से निकला हुआ हो, चाहे कारखाने से या कृषि से, जब अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है तो अपशिष्ट कहलाता है। बच्चों ऐसे पदार्थ जो हम अपने घर के या किसी भी कल कारखानों में प्रयोग में लाते हैं और उसके बाद उसका कोई हिस्सा बाहर वातावरण में फेंक देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट की श्रेणी में लाते हैं। और यदि हम अपने डे टू डे की दिनचर्या को देखें तो आज सबसे अधिक जो अपशिष्ट है वो पैकिंग मटेरियल का जो अपशिष्ट है वो सबसे अधिक है। कोई भी चीज पैक होकर के जिसमें आती है, वो पन्नी है, वो कागज के पुट्ठे, इसी प्रकार से पीने के पानी की बिसलरी की बॉटल्स, पॉलीथिन्स, हमारे चारों ओर जो अपशिष्ट दिखाई देता है उसमें से आधा हिस्सा इन्हीं पदार्थों का होता है। तो बच्चों इसको हम पुनः एक बार परिभाषित करते हैं कि उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ, चाहे वह घर से निकला हुआ हो, चाहे कारखानों से या कृषि से, जब अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है तो उसे अपशिष्ट कहते हैं, अर्थात अपशिष्ट के द्वारा ही प्रदूषण होता है। अपशिष्टों को हम यदि उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बांटना चाहें या वर्गीकृत करना चाहें तो अपशिष्टों को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक ठोस अपशिष्ट, अर्थात ये ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा गैसीय अपशिष्ट, अर्थात ये गैसीय अवस्था में होते हैं। और तीसरा जलीय अपशिष्ट, ये द्रव अवस्था में होते हैं। तो अपशिष्टों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ठोस अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट, जलीय अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट अर्थात जिनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है, जैसे
बॉटल्स, पानी की बॉटल्स बिस्लरी की, कांच की टूटी हुई बॉटल्स, टूटे हुए कांच के टुकड़े, कृषि अवशिष्ट, निकलने वाली घास, भूसा इत्यादि, और घरेलू अवशिष्ट, गोबर इत्यादि भी ठोस अवशिष्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी प्रकार से गैसीय अवशिष्ट अर्थात जो गैस अवस्था में होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं अन्य गैसें जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के दहन से निकलती हैं, इन्हें हम गैसीय अवशिष्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। जलीय अवशिष्ट अर्थात ये द्रव अवस्था में होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाला जो द्रव है उसमें अम्लीय प्रकृति के पदार्थ या क्षारीय प्रकृति के पदार्थ भी होते हैं, तो ऐसा जो द्रव है वह जलीय अवशिष्ट कहलाता है। हमारे घरों से भी नहाने के बाद निकला हुआ पानी, हमारे शौचालयों से निकला हुआ पानी, ये जलीय अवशिष्ट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर हम अवशिष्टों को तीन भागों में बांट सकते हैं। ठोस अवशिष्ट, ये ठोस होते हैं, गैसीय अवशिष्ट, ये गैस अवस्था में होते हैं, और जलीय अवशिष्ट, ये द्रव अवस्था में होते हैं। हम ठोस अवशिष्ट पर विचार करते हैं। ये ठोस होते हैं तथा मानव द्वारा घर, स्कूल, कारखाने, दुकान, अस्पताल आदि में फेंक दिए जाते हैं, इन्हें हम ठोस अवशिष्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टूथपेस्ट के समाप्त होने के बाद उसका बचा हुआ ऊपर का रैपर है, पॉलीथीन्स हैं, हॉस्पिटल्स से भी बहुत बड़ी मात्रा में सिरिंज निकलती हैं, नीडल्स निकलती हैं, जख्मों के ऊपर बनी हुई पट्टियां निकलती हैं, ग्लूकोज की बॉटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉटल्स, ये सारी चीजें ठोस अवशिष्ट कहलाती हैं। इसके अलावा चीनी मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, जो दवाइयां होती हैं, गोलियां होती हैं, उनको जब पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है तो उससे बची हुई पन्नी और अन्य भी, हम एक बड़ी सूची इसकी बना सकते हैं। तो ऐसे अवशिष्ट चाहे वे घर या स्कूल से या कारखानों से या दुकानों से या अस्पताल से उपयोग करने के बाद जो फेंक दिए जाते हैं, जो ठोस अवस्था में होते हैं, इन्हें हम ठोस अवशिष्ट कहते हैं। और उदाहरण के लिए कुछ मात्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी हम यदि लिस्ट बनाएं तो एक पेज भी कम पड़ेगा। टूथपेस्ट के रेपर्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, अस्पताल से निकलने वाली सीरिंज हैं, पॉलीथीन के बैग हैं, ये सारे जो अवशिष्ट हैं वो ठोस अवशिष्ट के अंतर्गत इन्हें हम रखेंगे। अब ठोस अवशिष्टों को भी हम पुनः यदि बांटना चाहें तो इनके स्रोतों के आधार पर अर्थात ये निर्मित कहां से होते हैं, इसको आधार मानते हुए इनको हम सामान्यतः पांच भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है औद्योगिक अवशिष्ट, अर्थात जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, औद्योगिक अवशिष्ट अर्थात ऐसे ठोस अवशिष्ट जो उद्योगों से निकलते हैं, ठोस अवशिष्ट कहलाते हैं, औद्योगिक अवशिष्ट कहलाते हैं।
घरेलू व नगरपालिका अपशिष्ट, यहां पर जैसा नाम से ही पता चल रहा है घरेलू अर्थात घरों से निकलने वाले, नगरपालिका नगरपालिका क्षेत्र में ही घर होते हैं, तो नगरपालिका क्षेत्र में घरेलू जो ठोस अपशिष्ट हैं वो घरेलू व नगरपालिका अपशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से कृषि जनित अपशिष्ट अर्थात ऐसे ठोस अपशिष्ट जिनकी उत्पत्ति या जिनका स्रोत कृषि होती है, विभिन्न प्रकार का भूसा, विभिन्न प्रकार के जो सड़े गले कृषि अपशिष्ट हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। सड़ा हुआ अनाज, खराब अनाज, भूसा, ये सब कृषि जनित अपशिष्ट हैं। खनन अपशिष्ट हमारे देश में माइनिंग का भी बहुत बड़ा एरिया है, जहां से हम पत्थर खोद करके निकालते हैं, हम कोयला खोद करके निकालते हैं और विभिन्न धातुओं के जो अयस्क हैं, बॉक्साइट के अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं, ये सारे अयस्क भी जहां से निकाले जाते हैं तो उस क्षेत्र को हम खनन कहते हैं। हीरे को भी खोद करके निकाला जाता है। तो ऐसे तमाम एरियाज में वहां पर जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं वे खनन अपशिष्ट कहलाते हैं। ये प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर अपन ने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो क्षेत्र हैं उन्हें हम अन्य अपशिष्टों के अंतर्गत रख सकते हैं। इस प्रकार सामान्यतः हम ठोस अपशिष्ट को उनके स्रोतों के आधार पर पांच भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू व नगरपालिका अपशिष्ट, कृषि जनित अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। और इसके अंतर्गत जैसे तांबा, एल्युमिनियम धातु का जो धातु कर्म होता है उसके प्रगलन में संयंत्रों से निकलने वाले जो खतरनाक रसायन होते हैं, प्लास्टिक के निर्माण में निकलने वाले जो विषाक्त रसायन होते हैं, कीटनाशकों के निर्माण में निकलने वाले जो हानिकारक अपशिष्ट होते हैं वो औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें हम औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। कई कारखानों से राख निकलती है, जैसे ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं जहां पर के कोयले का दहन होता है वहां से बड़ी मात्रा में राख निकलती है। और अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं उनसे निकलने वाले अपशिष्ट भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चंद उदाहरण दिए हैं। घरेलू अपशिष्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये अपशिष्ट घर से ही निकलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक के बैग, फल सब्जियां, सड़े हुए फल होते हैं जो खराब हो जाती हैं सब्जियां, वो सब्जियों के छिलके, बिस्लरी पानी की बॉटल्स, पानी के जो पाउच होते हैं वो, बूचड़ खानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो, इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के शादी ब्याह इत्यादि कार्यक्रमों में आज के चलन के हिसाब से जो डिस्पोजेबल मटेरियल्स यूज करते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल कटोरी, वो सब डिस्पोजेबल थालियां बड़ी मात्रा में घरेलू अपशिष्ट का निर्माण कर वातावरण को
प्रदूषित करते हैं। तो घर से निकलने वाला जो कचरा है, प्लास्टिक के बैग, फल, सब्जियां, सब्जियों के छिलके, बोतलें पानी की, बूचड़ खानों से निकलने वाला अपशिष्ट, कागज के टुकड़े, पुट्ठे, विभिन्न प्रकार के पैकिंग मटेरियल्स, क्योंकि जो भी चीज आती है वो सामान्यतः पॉलीथीन में पैक होकर के आती है, चाहे हम पृथक से लें या अलग से लें या पैकिंग मटेरियल में भी लें, तो ये सब मिलकर के घरेलू अपशिष्ट का एक बड़ा भाग बनाते हैं। और यदि हम किसी भी कचरे दान की चारों ओर नजर डालें तो कुल कचरे का 50-60% हिस्सा इसी कचरे से होता है और इसका आयतन भी इतना होता है कि ये चारों ओर फैल करके प्रदूषण करता है। तो बच्चों, ये घरेलू अपशिष्ट हैं, इनकी सूची भी आप और बना सकते हैं, इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं। अगला है कृषि जनित अपशिष्ट, अर्थात ऐसे अपशिष्ट जो कृषि से प्राप्त होते हैं, कृषि के दौरान, कृषि में बुआई से लेकर के अनाज के निकलने तक विभिन्न प्रक्रियाओं में जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं वो कृषि जनित अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत जो फसल कटाई के बाद भूसा निकलता है, छिलके निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के पत्ते निकलते हैं, घास है, पौधों के डंठल हैं, ये सारे के सारे कृषि जनित अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आजकल एक स्थिति निर्मित हुई है, आप सभी ने देखा होगा कि गर्मी में फसल के कटने के बाद, मार्च अप्रैल के महीने के बाद, खेतों में हार्वेस्टिंग के बाद जो गेहूं या चने के बड़े बड़े डंठल खेतों में जो लगे रह जाते हैं उन्हें जला दिया जाता है और उन्हें नष्ट करने का यह उपाय अपनाया जाता है। बच्चों, इससे एक तो जलने के कारण राख उत्पन्न होती है और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि जब उन डंठलों के अंदर आग लगती है और हवा के साथ वह आग दूसरे स्थानों पर भी कई बार फैल करके एक दुर्घटना का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त पौधे को जीवित रखने के लिए, पौधे को पोषण देने के लिए और पौधों की वृद्धि को अच्छा करने के लिए हमारी भूमि के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और केंचुए भी होते हैं और ये सब एक तरीके से हमारे मित्र हैं, क्योंकि ये भूमि को अच्छा करने में, मिट्टी को अच्छा करने में, मिट्टी को उपजाऊ करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब हम इस फसल के जो डंठल बचे हुए हैं इनमें जब हम आग लगा देते हैं तो इससे जमीन के अंदर के केंचुए एवं अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वह कम होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि इससे वायुमंडल में अत्यधिक ऊष्मा पहुंच जाती है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये कहीं से भी उचित अभ्यास नहीं है। अगला जो अपशिष्ट है वह है खनन अपशिष्ट, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो खदानें हैं, चाहे वो पत्थर की खदानें हों, चाहे वो हीरे की खदानें हों, चाहे विभिन्न प्रकार के धातु अयस्कों की खदानें हों, वहां उसकी खुदाई के दौरान कई प्रकार के जो अपशिष्ट हैं वो उत्पन्न होते हैं और सबसे प्रमुख रूप से उसके चारों ओर जो डस्ट है, जो धूल है,
वह उत्पन्न होती है, तो ये खनन अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अन्य अपशिष्टों में जैसे अस्पतालों से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ, पोल्ट्री फार्म जहां पर की मुर्गी पालन किया जाता है वहां से निकलने वाले कचरा, अस्पताल से जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की थी विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषित पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज की बॉटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉटल्स, सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल्स, डिस्पोजेबल सिरिंज, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के उत्पन्न से उत्पन्न कॉटन, जख्मों से निकली हुई पट्टियां इत्यादि, ये सारे ठोस और अन्य अपशिष्टों के अंतर्गत हम इनको रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो अपशिष्ट हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं हमारे समाज में और किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। बच्चों, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, आखिर अपशिष्टों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हुई? मैं अपशिष्टों के प्रबंधन की चर्चा करने के पहले इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि अपशिष्टों के प्रबंधन की आवश्यकता आखिर क्यों हुई है। अपशिष्टों के कारण आज हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसीलिए अपशिष्ट प्रबंधन आज महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अपशिष्टों का सही उपयोग एवं निपटान ही अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। बच्चों, यदि हम एक लाइन में इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपशिष्टों का सही उपयोग एवं निपटान ही अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है, क्योंकि अपशिष्ट जो हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं और समस्त जीवों के लिए हानि का कारण है। इसलिए अपशिष्टों का सही उपयोग और सही निपटान नितांत आवश्यक है। अपशिष्टों का जो प्रभाव है वह भूमि के ऊपर, जल के ऊपर, वायु के ऊपर, जो हमारी तीन मूलभूत स्थितियां हैं, भूमि, जल, वायु, जिनके ऊपर हमारी निर्भरता भी है, इनके ऊपर अपशिष्टों का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इससे मानव व अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनेक जो संक्रामक बीमारियां हैं जैसे त्वचा संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग, एलर्जी भी आज एक बीमारी के रूप में उत्पन्न हो गई है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। हमें नदी जल स्रोतों के विसर्जन से जलीय जीवों के मरने की संभावना भी बढ़ गई है और इसी सब समस्याओं का जो समाधान है वह है अपशिष्ट प्रबंधन। बच्चों, जब नदी का जल अधिक प्रदूषित हो जाता है तो जल में रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में जो जलीय जीव हैं उनका जीवित रहना, उनका सर्वाइव करना कठिन हो जाता है और इन सब समस्याओं का समाधान अपशिष्ट प्रबंधन में निहित है और अपशिष्टों का सही उपयोग एवं निपटान ही अपशिष्ट प्रबंधन है। बच्चों, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठोस अपशिष्टों को यहाँ पर उनके अपघटनीय गुण के आधार पर हम जैव अपघटनीय अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात ऐसे ठोस अपशिष्ट जिनका कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो सकता है जैव अपघटनीय अपशिष्ट कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत गोबर, पशुओं का मलमूत्र, मलमूत्र एवं कृषि अपशिष्ट, इस प्रकार ये जो अपशिष्ट हैं ये अपघटन योग्य हैं और सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम जैव अपघटनीय अपशिष्ट की श्रेणी में रखते हैं। और इनके
इसी गुण का उपयोग करके हम इनका अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं। दूसरे जो अपशिष्ट हैं वो हैं पुनः चक्रीकरण योग अपशिष्ट। बच्चों, जो पुनः चक्रीकरण योग अपशिष्ट हैं वो जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, परंतु उनका पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है, अर्थात उन अपशिष्टों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, विभिन्न प्रकार के कारखानों में उनका हम पुनः निर्माण नई वस्तु के रूप में कर सकते हैं। और ऐसे जो कुछ अपशिष्ट हैं वो हैं जैसे कांच, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, टीन के टुकड़े, धातुओं के टूटे हुए बर्तन, ये ऐसे अपशिष्ट हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो अपघटित नहीं होते, परंतु इनका हम पुनः चक्रीकरण कर सकते हैं, अर्थात इन्हें यदि हम छांट करके अलग एकत्रित कर लें और इनको हम यदि विभिन्न प्रकार के इनके कारखानों में भिजवा दें तो इनका फिर से नया सामान बनकर के आ जाता है। और बच्चों, हमारे अड़ोस पड़ोस में और हमारे नगरों में, शहरों में जो कबाड़ खरीदने वाले जो लोग हैं वो यही करते हैं, हमारे घर से ये इस प्रकार के सारे सामान, प्लास्टिक, कांच, लोहा, धातु के टुकड़े, ये वे क्रय कर लेते हैं और उसको अलग अलग छांट करके फिर ये फैक्ट्री को भिजवा देते हैं, जिससे रिसाइकलिंग हो करके पुनः नया पदार्थ बन करके आ जाता है। रिसाइकलिंग का मतलब है जैसे जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो टूटी फूटी प्लास्टिक है, उस सबको यदि प्लास्टिक की फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाएगा तो पुनः नए बर्तन, पुनः नई बॉटल ये बन करके आ जाएंगी और पुनः इनका उपयोग समाज में हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पुनः चक्रीकरण या रीसाइक्लिंग। बच्चों, अब हम जैव अपघटनी अपशिष्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये आसानी से वायुमंडल में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और जैसे गोबर है, मलमूत्र है, कृषि अपशिष्ट हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको जैव अपघटनी अपशिष्ट कहते हैं। और दूसरा जो है पुनः चक्रीकरण योग अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्टों को एकत्रित करके पुनः चक्रीकरण द्वारा नया सामान तैयार कर लिया जाता है। तो ये पुनः चक्रीकरण योग अपशिष्ट होते हैं। इसके अंतर्गत कागज, जो अखबार हैं, जो कागज है, ये सब पुनः कागज फैक्ट्री में जाकर के और इसकी लुगदी बना करके पुनः इसके द्वारा नए फाइल कवर, नए कागज बना दिए जाते हैं और जिसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कपड़े हैं तो इनके द्वारा भी कई प्रकार के वाइपर्स, कई प्रकार की दरियां इत्यादि बनाई जाती हैं। धातु के जो टुकड़े हैं उनका भी रिसाइकलिंग हो जाती है। कारखानों की जो राख है उससे ईंटें बनाई जा सकती हैं और पॉलीथीन एवं प्लास्टिक इत्यादि कांच के टुकड़ों को भी हम पुनः रिसाइकल करके यही सामग्री तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन का रिसाइकलिंग या पुनः चक्रीकरण एक महत्वपूर्ण विधा है, एक महत्वपूर्ण एक विधि है, इसके द्वारा हम अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। परंतु इसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि हम कचरे को अलग अलग छांटें, अर्थात जैव अपघटनी कचरे को हम अलग छांटें और पुनः चक्रीकरण योग कचरे को हम अलग छांटें। और सामान्यतः होता यह है कि हमारे समाज में जो कचरा दान है, जो जगह जगह रखे हुए हैं, उनमें जैव अपघटनी कचरा और पुनः चक्रीकरण योग्य कचरा दोनों हम एक साथ उसमें डंप कर देते हैं, डाल देते हैं
और इसीलिए कई बार उसका ठीक से प्रबंधन नहीं हो पाता है। बच्चों, प्रबंधन की जो कुछ तकनीकें हैं वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि कचरे को हमें अलग-अलग छांटना चाहिए, अर्थात अपघटन योग्य कचरा, जिसमें कि हम बर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा अर्थात केंचुए का उपयोग करते हुए हम उसका अपघटन कर सकें। इसी प्रकार से ज्वलनशील कचरा, अज्वलनशील कचरा और अपशिष्ट को डंपिंग स्थल तक पहुंचाने की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। डंपिंग प्लेस या डंपिंग स्थल वह होता है जहां पर कि पूरे नगर के कचरे को एकत्रित किया जाता है, तो वहां तक भी कचरे को पहुंचाने की एक उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर इसको थोड़ा हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि कंपोस्टिंग का मतलब क्या है और कंपोस्टिंग कितनी महत्वपूर्ण है। कंपोस्टिंग के द्वारा हम किस प्रकार से अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। जो कंपोस्टिंग है यह है कार्बनिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन की सबसे उपयुक्त विधि है और हमारा लगभग 40 से 60% जो कचरा है वो यही होता है, जैविक कचरा होता है, जिसके अंतर्गत घास, फूस, गोबर, खराब भोजन, सब्जियों के छिलके, पौधों के पत्ते, सड़ी गली सब्जियां, ये जो जैविक कचरा है ये लगभग कुल कचरे का 40 से 60% हिस्सा होता है। और कंपोस्टिंग में इन सब को एक गड्ढे में डालकर ढक देते हैं और हर 15 दिन में इसे हम पलटते रहते हैं, जिससे 3 या 4 माह में कंपोस्ट खाद बनकर के तैयार हो जाती है। बच्चों, कंपोस्ट भी एक अपघटन की ही प्रक्रिया है, जिसमें जो जैविक कचरा है उसको हम जमीन में एक गड्ढा खोद करके और उसमें 40 से 60% जो जैविक कचरा है उसमें घास, फूस, गोबर, खराब भोजन, सब्जियों के छिलके, पत्ते इत्यादि, ये सारी जो सड़ी गली सब्जियां हैं इन सबको एक गड्ढे में डालकर हम ढक देते हैं और हर 15 दिन में उसको ऊपर से नीचे करते रहते हैं, जिससे 3 से 4 माह में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अभी जो पहले नंबर पे हमने लिखा है बर्मी कंपोस्टिंग, यह भी कंपोस्टिंग अर्थात अपघटन की एक आधुनिक तकनीकी है और इसमें केंचुओं तथा सूक्ष्म जीवियों द्वारा कंपोस्टिंग कराई जाती है। यह सरल है, ये लाभकारी है और ये 25 से 30 दिन में ही खाद बन करके इसमें तैयार हो जाती है। बच्चों, यहाँ पर एक लकड़ी के बड़े बॉक्स में हम सूखी पत्ती, घास, मिट्टी, गोबर की खाद और केंचुए और उसके ऊपर जो ठोस अपशिष्ट हैं वो उसके ऊपर डाल देते हैं और उसमें कुछ स्पेस रखते हैं जिससे उसके अंदर वायु का प्रवेश भी होता रहे और 25 से 30 दिन में ये कंपोस्टिंग हो जाती है। जो केंचुए हैं वो उसको अपघटित करके उर्वरक प्राकृतिक खाद में परिवर्तित कर देते हैं और ये बहुत ही लाभकारी इसलिए है क्योंकि इससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाती है, इस खाद की भूमि में जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जहां पर ये खाद होती है वहां पर भूमि में जल को रोकने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, पौधों की रोग रोधी क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात पौधों में जो रोग लगते हैं इस खाद की उपस्थिति में पौधों में ये रोग नहीं लग पाते हैं, मिट्टी को नरम और हवायुक्त बनाती है ये खाद और इससे प्राप्त जो खाद है उसे
फल फूल सब्जियों इत्यादि के उत्पादन में हम उपयोग में लाते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रबंधन की तकनीकी है। इसी प्रकार से कचरे को एकत्रित करके डंपिंग सेट्स, जिसको बोलते हैं, आपने कई बार टीवी में देखा भी होगा, कई बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े कचरे के पहाड़ जैसे बना दिए जाते हैं, नगर से दूर इकट्ठा कर दिया जाता है कचरा। तो कचरे को एकत्रित करके एक जगह पर डाल देते हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। ये भी एक अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकी है, परंतु बच्चों ये ठीक तकनीकी नहीं है। इसमें एक बड़े गड्ढे में जब हम कचरे को बंद कर देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी इत्यादि डाल करके उसके ऊपर घास लगा देते हैं, तो ऊपर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है, परंतु वह नीचे ही नीचे जो कचरा है सड़ करके उसके अंदर विषाक्त पदार्थ, पॉइजनस मटेरियल्स तैयार हो जाता है और नीचे ही नीचे वह क्षति पहुंचाता है और बह करके पीने के पानी के स्रोतों में मिलकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। इसलिए इसी प्रकार से जैसे ये लिखा हुआ है ज्वलनशील कचरा दूसरे नंबर पे, तो ज्वलनशील कचरे को निश्चित रूप से छांट सकते हैं, परंतु यदि हम जलाते हैं तो जो हमारे चारों ओर जो दिख रहा है, जो जलने योग्य है परंतु उसे जलाने से नष्ट नहीं हुआ, वह वायुमंडल में चला गया और वायुमंडल में पहुंच करके वह श्वास के साथ में हमारे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से अपशिष्ट को जलाने की भी जो तकनीकी है वो बहुत उचित नहीं है। ड्रेनेज, हमारे घरों का जो मलमूत्र है, जो शौचालयों का पानी है, जो स्नान करने का पानी है, साबुन का पानी है, सामान्यतः ये मानते हैं कि ये तो स्वतः ही अपने आप नष्ट हो जाता है या अपने आप ठीक हो जाता है, परंतु बच्चों ऐसा नहीं है, इसे भी हमें उपचारित करना चाहिए और नदियों या नालों में मिलने के पहले ये अगर उपचारित नहीं होगा और ये प्रदूषित पानी नालों में, नदियों में, तालाबों में मिल जाएगा तो वहां के जीवों को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी और उन जीवों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसका क्रमबद्ध ढंग से उपचार करें और इसका उपचार करने का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो पानी निकलता है स्नान के द्वारा, किचन के द्वारा, नालियों के द्वारा, वो किसी स्थान के ऊपर एकत्रित किया जाए और उसमें से जो मोटे मोटे पदार्थ हैं उनको छान करके अलग किया जाए, उनको नीचे बैठने दिया जाए और जो पानी है उसको क्लोरीनीकरण करके हम फिर आगे उसको बहने दें। इस प्रकार से इसका हमें उपचार करना चाहिए, यह एक सर्वमान्य विधि है। कई स्थानों पर हम सेप्टिक टैंक बना करके जैवीय उपचार भी करते हैं, बड़े बड़े सेप्टिक टैंक्स में इस प्रकार के पानी को हम एकत्रित करके और वहां पर उसको हम एकत्रित कर लेते हैं, उसका अपघटन होने देते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा और उसके उपरांत ठोस कचरे को वहां से हम बाहर निकाल लेते हैं और जो द्रव है उसको आगे जाने देते हैं। तो इस प्रकार से जो ठोस अपशिष्ट हैं उसका प्रबंधन हमें इन बातों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उनसे निकलने वाले डिस्पोजेबल अपने आप में एक बहुत बड़े वेस्ट मटेरियल, एक अपशिष्ट के रूप में दिखाई देते हैं हमें जगह जगह। अगर हम पीछे जाके देखें तो हमारी भारतीय शैली में पहले जो उत्सव हुआ करते थे उसमें पत्तों से बना करके दोना पत्तलों का उपयोग किया जाता था जो कि जैव अपघटनीय हुआ करते थे, परंतु क्योंकि आबादी के बढ़ने के साथ साथ अब वनों और वृक्षों की संख्या भी घटती ही जा रही है,
इस कारण से उनका उपयोग करना भी ठीक नहीं है। बच्चों यहां पर जैसे गोबर है, गोबर का सही उपयोग है या गोबर और पशुओं के मलमूत्र का जो अपशिष्ट है उसका सबसे अच्छा प्रबंधन है वह है गोबर गैस संयंत्र। यदि हम गोबर गैस संयंत्र के द्वारा गोबर और मलमूत्र का प्रबंधन करते हैं तो उससे हमें बहुत ऊर्जा वाली हमें बायोगैस मिलती है जिससे हम बल्ब जला सकते हैं, जिससे हम खाना पका सकते हैं। और गैस के बनने के अतिरिक्त जो घोल प्राप्त होता है उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिसे हम भूमि में डाल करके भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं। परंतु अधिकांश स्थानों पर ये देखा जाता है कि गोबर को या तो सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है अथवा उसके उपले या कंडे बनाए जाते हैं। तो वास्तव में गोबर और अन्य जो पशुओं का जो मलमूत्र है उस अपशिष्ट का सही प्रबंधन है गोबर गैस संयंत्र बना करके। हम अपशिष्ट पदार्थों के पुनः चक्रीकरण की यदि एक दृष्टि डालें तो कागज की लुगदी बना करके हम कागज को पुनः बना सकते हैं। इसी प्रकार से कपड़ों का उपयोग हम झाड़न के रूप में, मशीनरी वाइपर के रूप में कर सकते हैं। धातु गला करके हम धातु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कारखानों की राख से हम धूल, हम ईंटें बना सकते हैं। और पॉलीथीन और प्लास्टिक का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। कांच के टुकड़े का उपयोग हम सैंड पेपर बनाने के लिए, अपघर्षी कागज बनाने के लिए कर सकते हैं। बच्चों ये वो कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग करके हम रिसाइकलिंग के द्वारा और अपघटन के द्वारा इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और वास्तव में जरूरत तो इस चीज की भी है कि हम थोड़ी सी अपनी सोच में भी परिवर्तन लाएं। और इसको मैं 3 R के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज है रीयूज, अर्थात हम किस प्रकार से एक अपशिष्ट किसी पदार्थ का पुनः उपयोग कर लें। जैसे उदाहरण के लिए हम अखबार पढ़ते हैं और अखबार पढ़ने के बाद यदि उसी अखबार के बड़े बड़े लिफाफे बना करके हम पॉलीथीन के स्थान पर उन लिफाफों का उपयोग यदि करेंगे तो वो रीयूज हो गया। इसी प्रकार से जो कपड़ा है, जो साड़ियां हैं वो जब फट जाती हैं तो उनके दरी बना करके हम पुनः उसका रीयूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपशिष्ट कम उत्पन्न होगा क्योंकि एक पदार्थ का उपयोग हम 2 बार कर लेंगे। दूसरी चीज है रिड्यूज करके, अर्थात हम इनका उपयोग कम करें। तीसरा है रिफ्यूज करके, अर्थात जहां आवश्यकता हो हम वहीं सामग्री को क्रय करें, अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम उसको रिफ्यूज करें। इस प्रकार से हम प्रबंधन विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का कर सकते हैं। बच्चों इसी अध्याय में एक महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वह है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, हम इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जीवित एवं अजीवित के बीच परस्पर अंतर संबंध होता है, इससे एक तंत्र बनता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान की जो शाखा है वह पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। तो बच्चों हम यदि अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाएं तो हमें 2 ही प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, एक जीवित और एक अजीवित। समस्त पौधे और समस्त जंतु जीवित के अंतर्गत आते हैं और इसके अतिरिक्त जो भी है हमारे चारों ओर वह सब का सब अजीवित के अंतर्गत आता है। और जीवित
और अजीवित के बीच का जो परस्पर संबंध है और उससे जो तंत्र निर्मित होता है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जीवित में समस्त मनुष्य, समस्त पौधे, समस्त जंतु, एक कोशिकीय जीवों से लेकर के बहुकोशिकीय जीवों तक, एक कोशिकीय पौधों से लेकर के बड़े बड़े वृक्षों तक, सारे जीवित के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी है, मिट्टी, पानी, हवा, जिसके अंतर्गत जीवन नहीं है, ये अजीवित के अंतर्गत आते हैं। और इनके बीच में मिलकर के दोनों से जो तंत्र का निर्माण होता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम विज्ञान की वह शाखा है जो इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो पारिस्थितिकी का अध्ययन करती है, इकोसिस्टम का अध्ययन करती है और पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो जैसा अभी हमने देखा जीवित और अजीवित। जो जीवित हैं वो सबके सब इकोसिस्टम के या पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कहलाते हैं। इसमें सभी जीव जैसे पेड़, पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव सब के सब जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं और ये जैविक घटक बनाते हैं मिलकर के समस्त पौधे, समस्त प्राणी। और कार्यों के आधार पर इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं, अर्थात जैविक घटक जिसके अंतर्गत की समस्त जीव आते हैं, पेड़, पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, इनको कार्यों के आधार पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है उत्पादक, उत्पादक या प्रोड्यूसर, ये हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों जैविक घटकों के अंतर्गत जो पहले हैं वो हैं उत्पादक, और समस्त हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि केवल पौधे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो उत्पादक समस्त हरे पौधे हैं क्योंकि केवल पौधे ही अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। दूसरा जो नंबर आता है वह है उपभोक्ता या कंज्यूमर। उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। और इन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, ये शाकाहारी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी होते हैं और पौधों का भक्षण करके ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और पौधों के द्वारा ये भोजन करके, पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, हाथी, ये ऐसे प्राणी हैं, ये ऐसे जीव हैं जो हरे पौधों की पत्तियों को, उनके फलों को, उन्हें ही खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, अर्थात भोजन के लिए ये पूर्णतः उपभोक्ता अर्थात हरे पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, इन्हें हम प्राथमिक मांसाहारी भी कहते हैं और ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो प्राणी हैं, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत जिन्हें हम प्राथमिक मांसाहारी भी कहते हैं, ये
पौधों के अतिरिक्त शाकाहारी जीवों को खाते हैं और इनका उदाहरण है भेड़िया, कुत्ते, लोमड़ी इत्यादि। जैसे ये हरे पौधों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त ये जो शाकाहारी जीव हैं उन्हें भी भोजन के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय उपभोक्ता जो कि प्राथमिक मांसाहारी भी कहते हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे भेड़िया, कुत्ते, लोमड़ी, बिल्ली। और इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पे हैं तृतीय उपभोक्ता, इन्हें हम द्वितीयक मांसाहारी भी कहते हैं। और ये मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के जीवों का भक्षण करते हैं, जैसे शेर है, चील है इत्यादि। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं को तीन भागों में हम रख सकते हैं। जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो हैं अपघटक, डीकम्पोजर्स, और ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीवों के अंदर शरीर से कार्बनिक तत्वों से भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। जैसे जीवाणु है, फफूंद है, और ये सड़े गले पदार्थों को, जीवों को अपघटित कर देते हैं। प्रकृति में यदि कोई भी चीज सड़ करके नष्ट नहीं होती तो हमारे चारों ओर गंदगी का अंबार लग जाता। कहीं पर भी यदि कोई भी जीव मर जाता है, कुछ दिनों के बाद उसका शरीर स्वतः ही खत्म हो जाता है, केवल हड्डियों के अवशेष शेष बचते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वह उन्हें अपघटित करके उनके शरीर के अंदर के जो तत्व हैं वे पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। ये कार्य अपघटक के द्वारा होता है, और ये जो अपघटक हैं ये कार्मिक तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह हमने जो देखा वे हैं जैविक घटक। अब इसके अतिरिक्त जो अन्य है कुछ, उन्हें हम अजैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी, अजैविक घटक अर्थात इनके अंदर जीवन के गुण नहीं होते, इनके अंदर जीवित रहने के कोई लक्षण नहीं होते, ये अजैविक होते हैं। और इनके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण, ये मिलकर के अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। जैसे अकार्बनिक पदार्थ हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन इत्यादि। ये कुछ जो तत्व हैं इनको अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत रखा गया है। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि, ये कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत रखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो भौतिक वातावरण है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे वायुमंडल का तापमान, जैसे वायुमंडल में पानी की उपस्थिति, पृथ्वी के ऊपर पानी की उपस्थिति, मिट्टी इत्यादि, ये जो भौतिक वातावरण के जो कारक हैं ये भी अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, यहां पर एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि जैविक और अजैविक जो घटक हैं, यद्यपि दोनों पृथक पृथक हैं, एक जीवित होते हैं दूसरे अजीवित होते हैं, अर्थात उनमें जीवन के लक्षण नहीं होते, परंतु उन दोनों के बीच में जो अंतर क्रिया है, उनके बीच में जो परस्पर संबंध है, वह इस पृथ्वी के ऊपर जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं जैविक और अजैविक घटकों के बीच की अंतर क्रिया
इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे उत्पादक हरे पौधे, हमें जो भी ऊर्जा यहां पर दिखाई देती है हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में, पौधों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही संभव है। और सूर्य का जो प्रकाश है वह है अजैविक घटक है, अर्थात हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर क्लोरोफिल की भी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा और पौधों में भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो कि अजैविक घटक हैं, यदि ये नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी और पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा, अर्थात पौधों को जीवित रहने के लिए पौधों में रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट का संचय हो इसके लिए अजैविक घटक जैसे सूर्य का प्रकाश, एक अनुकूलतम तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये जो कि अजैविक घटक हैं, ये अनिवार्य हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति में ही जीवन संभव हो पा रहा है, पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय हो पा रहा है और पौधों के ऊपर जो जीव निर्भर हैं भोजन के लिए, वह भी खाद्य का स्थानांतरण अर्थात पौधों से भोजन उन जीवों के अंदर पहुंच पा रहा है। अर्थात जैविक घटकों की निर्भरता अजैविक घटकों के ऊपर है। पौधे को लगाने के लिए, पौधे को उगने के लिए, किसी भी वृक्ष को बड़ा होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है और बच्चों मिट्टी अजैविक घटक है। यदि मिट्टी नहीं होगी तो पौधे नहीं बढ़ पाएंगे, पौधे नहीं लग पाएंगे, अर्थात जैविक और अजैविक घटकों में परस्पर निर्भरता है। अजैविक घटकों के बिना जैविक घटक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वे अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख पाएंगे। जैसे पौधे को उगाने के लिए, जैसा मैंने अभी चर्चा की, मिट्टी की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, पौधे को खनिज लवण भी चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये सारी चीजें अजैविक घटक हैं। अर्थात पौधा बढ़ा हो, वृक्ष बड़े हो, उनके लिए जो अजैविक घटक हैं उनकी आवश्यकता है, वे अनिवार्य हैं। और हम इसके आगे जाकर के यदि देखें तो मृत्यु के उपरांत कोई भी जीव या कोई भी पौधे के अंग या पौधा जब मृत हो जाता है या किसी भी जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटन के द्वारा विभिन्न जो उसके तत्व हैं वे वायुमंडल में मिल जाते हैं और उस रूप में वे अजैविक घटक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी तत्व का ना तो एक भी परमाणु नया बन सकता है, ना कोई भी परमाणु नष्ट हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उसका अपघटन जब होता है तो उसके शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं पुनः विभिन्न अपघटन क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में या प्रकृति में चले जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच में परस्पर निर्भरता है, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। बच्चों यहां पर एक भोजन के स्थानांतरण की जो एक श्रृंखला है
जिसे हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कहते हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। खाद्य श्रृंखला भोजन संबंधी निर्भरता, अर्थात कौन किसे खाता है, को प्रदर्शित करने वाली एक जो श्रृंखला है वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। बच्चों, भोजन के ऊपर जो निर्भरता है, अर्थात कौन किसे खाता है, इसको प्रदर्शित करने वाली एक जो श्रृंखला है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हरे पौधे से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि हरे पौधे उत्पादक होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण भोजन के रूप में विभिन्न जीवों में होता है। जैसे घास या हरे पौधे जिन्हें हिरण या गाय या बकरी भोजन के रूप में ग्रहण करती है, और फिर हिरण को शेर या चीता भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो ये एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। इस प्रकृति में अनंत खाद्य श्रृंखलाएं हैं। तो खाद्य श्रृंखला भोजन संबंधी निर्भरता, अर्थात कौन किसे खाता है, इसको प्रदर्शित करने वाली एक श्रृंखला है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और सभी खाद्य श्रृंखलाएं हरे पौधे से प्रारंभ होती हैं, क्योंकि हरे पौधे उत्पादक होते हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य पदार्थ के क्रमिक स्थानांतरण को प्रकट करती हैं। बच्चों, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही जो खाद्य पदार्थ है उसका क्रमिक स्थानांतरण होता है, अर्थात पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वह खाद्य श्रृंखला के मार्ग से ही अन्य जीवों में स्थानांतरित होता है। मैं पुनः इसको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे घास को गाय खाती है और गाय को चीता भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो घास के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वह गाय के अंदर, जब वह भोजन के रूप में घास को खाती है तो वह कार्बोहाइड्रेट गाय के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, और जब उस गाय को शेर या चीता खाता है तो उसके शरीर में जो भोजन के रूप में एकत्रित कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व थे वे शेर या चीता के शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के माध्यम से खाद्य पदार्थों के क्रमिक स्थानांतरण को प्रकट किया जाता है। अब हम खाद्य जाल के ऊपर एक दृष्टि डालें। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। कई खाद्य श्रृंखलाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो वह खाद्य जाल का निर्माण कर लेती हैं। एक दूसरे से संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को काटती हैं, अतः उनको मिलाकर खाद्य जाल बन जाता है। किसी खाद्य जाल में एक से अधिक जीव कई खाद्य श्रृंखलाओं में जुड़े होते हैं, और यदि यह किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण की सभी विधियों को प्रकट करता है। यह अनिवार्य नहीं है कि घास को केवल हिरण ही खाएगा या गाय ही खाएगी या बकरी ही खाएगी, कोई भी अन्य शाकाहारी जीव भी घास को ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि हिरण को शेर ही भोजन के रूप में खाएगा, अन्य कोई मांसाहारी जीव भी शेर का शिकार कर सकता है। तो इस प्रकार से कई खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलकर के विस्तृत रूप में हम एक साथ लिखते हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण की
सभी विधियों को प्रकट करता है। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण अर्थात इस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो आवरण है वह पर्यावरण, और संरक्षण अर्थात उसको कैसे स्वस्थ अवस्था में रखा जाए, इसे हम कहते हैं संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है विकास प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों के अत्यधिक उपयोग कैसे रोकें जिससे पर्यावरण स्वस्थ रह सके। पर्यावरण संरक्षण का आशय है विकास की प्रक्रियाएं तो चलें परंतु उसके साथ ही पर्यावरण भी स्वस्थ रहे, अर्थात विकास प्रक्रियाओं के दौरान ऐसा ना हो कि हम इस प्रकार के हानिकारक पदार्थों को वायुमंडल में छोड़ दें जो मनुष्य के लिए एवं अन्य जीवों के लिए नुकसान पहुंचाएं, हानि पहुंचाएं। इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के ऊपर हम दृष्टि डालें तो प्राकृतिक संपदाओं को निरंतर बनाए रखना और इसकी वृद्धि व सदुपयोग करना। प्राकृतिक जो हमारी संपदाएं हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं, प्राकृतिक संपदाएं अर्थात ऐसी संपदाएं जो हमें प्रकृति ने दी हैं प्राकृतिक संपदाएं कहलाती हैं, जैसे वृक्ष, जैसे मृदा जो मिट्टी है जिसमें कि फसल उपजती है और उसी फसल का उपयोग हम सब भोजन के रूप में करते हैं, जैसे जल, जल का उपयोग हम सब लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, चाहे वे औद्योगिक कार्य हों, चाहे वे कृषि कार्य हों, चाहे हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता हो। ऊर्जा, इसी प्रकार जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं नवीकरणीय स्रोत, जो अनवीकरणीय स्रोत, दोनों ही प्रकार के स्रोत हमें प्रकृति ने ही दिए हैं। खनिज लवण, विभिन्न प्रकार के खनिज भी हमें प्रकृति के अंदर से ही, पृथ्वी के अंदर से ही उनके अयस्क प्राप्त होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, तो ये प्राकृतिक संपदाएं हैं और इन संपदाओं को निरंतर बनाए रखना, इसकी वृद्धि व सदुपयोग करना, इसका ये पर्यावरण संरक्षण का पहला उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण का जो दूसरा उद्देश्य है वह है नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधनों का उपयोग विवेक के साथ करना। बच्चों, यहां पर हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इन संसाधनों का उपयोग विवेक के साथ करना, अर्थात बुद्धिमत्ता के साथ करना। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की यदि हम बात करें, जैसे जल है, मृदा है, वन, वायु, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, सौर ऊर्जा है। अनवीकरणीय जो स्रोत हैं, अनवीकरणीय जो संसाधन हैं, जैसे खनिज, कोयला, धातु अयस्क, पेट्रोलियम पदार्थ, ये अनवीकरणीय हैं। इनका उपयोग विवेक के साथ करना, क्योंकि पहले आबादी, पूरी दुनिया की आबादी बहुत कम थी, परंतु आज पूरी दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई है और प्रतिदिन हम हजारों गैलन पेट्रोलियम का उपयोग, हम हजारों टन कोयले का उपयोग करते हैं। यदि इसी दर से इन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता रहा तो कुछ चंद वर्षों के बाद ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जिसके उद्देश्य में लिखा है कि इनका उपयोग विवेक के साथ में करना, अर्थात हम प्रयास ये करें कि नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका उपयोग अधिक करें और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कम करें। तीसरा जो उद्देश्य है वह है संरक्षण के द्वारा सजीवों तथा निर्जीवों में संतुलन बनाए रखना।
अर्थात पर्यावरण संरक्षण या प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे जल का संरक्षण, मृदा, वन, ऊर्जा और खनिज, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इन संसाधनों का हम संरक्षण करें और सजीवों तथा निर्जीवों में संतुलन बनाए रखें। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि जैविक और अजैविक, अर्थात सजीव और निर्जीव के बीच की जो अंतर क्रिया है वह परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। बिना निर्जीवों के, बिना अजैविकों के सजीवों का रहना संभव नहीं होगा। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं होगा, इसी प्रकार मृदा के बिना भी पौधे की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, पौधे बढ़ नहीं पाएंगे, और पौधे जब नहीं बढ़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, हमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलेगा, और उस स्थिति में पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए सजीवों और निर्जीवों में संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक है और ये भी पर्यावरण संरक्षण का एक उद्देश्य है। संरक्षण, जैसे जल का संरक्षण, मृदा का संरक्षण, वन संरक्षण, ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोतों का संरक्षण, खनिज जो अयस्क हैं, जो धातु अयस्क हैं, उनका संरक्षण, इनका संरक्षण पृथ्वी पर करना नितांत आवश्यक है, जिससे हम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को भी हम एक स्वस्थ पृथ्वी, एक स्वस्थ जीवन रहने की समस्त जो परिस्थितियां हैं वो दे पाए। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या में और अपने सोच में हम परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन ला करके छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जब छोटे छोटे प्रयास कई सारे लोग मिलकर के करते हैं तो उसका परिणाम बहुत सार्थक होता है। जैसे जल संरक्षण के लिए हमें वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए, हमारे घर के अंदर एक पानी के एकत्रित करने का एक टैंक हमें बनाना चाहिए और छतों का पानी हमें उसके अंदर एकत्रित करना चाहिए और उसका उपयोग वर्ष में विभिन्न कार्यों में हमें करना चाहिए। हमारे जो हैंडपंप हैं उनके चारों ओर सोखता गड्ढे बना करके जो व्यर्थ पानी निकलता है उसे भूमि के अंदर जाने के लायक स्थितियां हमें बनानी चाहिए। ऐसा करने से जल संरक्षित होगा और जल का स्तर बढ़ेगा। तालाब, बावड़ियां, कुएं जो कि आज की स्थिति में निर्जीव से हो गए हैं, हमारी जो बावड़ियां हैं, हमारे जो कुएं हैं, वो आज कचड़े फेंकने के स्थान में परिवर्तित हो गए हैं। आज आवश्यकता है कि उनको पुनः हम जीवित करें और उनका संरक्षण करें, जिससे जल संरक्षण की दिशा में एक कदम हम आगे बढ़ें। इसी प्रकार से मृदा संरक्षण के लिए हमें खेतों पर मेड़ बनाना चाहिए, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है वह पानी के साथ बहकर के ना जाए। हमें कीटनाशकों और उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग करना चाहिए, यथा संभव हमें कंपोस्ट खाद या जैविक खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए। इससे हमारी मृदा संरक्षित होती है और मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों, कालखंड समाप्ति की ओर अग्रसर है। आज हमने विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों, हेलो सर, हेलो हेलो, मेरी बात है? हाँ बोलो। अभी तक माइक बंद, क्योंकि शुरू में आपने अपशिष्ट पढ़ाया था। हाँ हाँ तो सर, अपशिष्ट और अवशिष्ट में क्या? हेलो जी सर। हाँ, सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलो।
सर आपने शुरू में अपशिष्ट पढ़ाए थे, तो हाँ सर अवशिष्ट क्या होते हैं? अब ये जो है ना अपशिष्ट यानी बेस्ट प्रोडक्ट, जो अपशिष्ट है जो खराब पदार्थ होते हैं ना अपशिष्ट पदार्थ, सर अवशिष्ट अव ये अपशिष्ट जो अपन ने लिखा है ना बेटा अपशिष्ट बेस्ट डिस्पोज वो है ये अवशिष्ट जो है। कई स्थानों पर अपशिष्ट को भी अवशिष्ट लिखा जाता है, पर कहने का आशय ये है कि जो बेस्ट पदार्थ हैं जो खराब पदार्थ हैं जिनको हम उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं उन्हीं को अपन ने अपशिष्ट लिखा है। कई स्थानों पर उनको भी अवशिष्ट भी लिखते हैं। अच्छा, तो सर एक ही चीज है? हाँ लगभग एक ही चीज है। और किसी को कुछ पूछना है? शिवपुर 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 हेलो सर, शिवपुर हाँ हेलो हाँ वहीं से बोलो। सर नमस्ते हाँ हाँ सर, बोलो मेरा नमस्ते नाम बेटा। आपका लोहार फ्रॉम श्योपुर। सर हाँ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं हाँ जिनको जब जलाते हैं अपन तो हाँ जिससे जो आग उत्पन्न होती है ताप, हाँ तो इससे ऊर्जा का काम कैसे लिया जा सकता है? देखो अपशिष्ट पदार्थों को जलाने के लिए यदि हम इनको जलाते हैं तो इनका ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा का तो कर सकते हैं, परंतु उससे ज्यादा हानि ये होगी कि उससे जो जहरीली गैसें निकलेंगी उसके जलने से हाँ सर ये वो तो है। गैसें वायुमंडल में हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगी, इसलिए इनको जला करके एक ईंधन के रूप में उपयोग करना कहीं से कहीं तक बुद्धिमत्ता नहीं है। जलाने से तो ऊष्मा निकलेगी और जहां भी ऊष्मा की आवश्यकता है वहां यूज कर सकते हैं, परंतु इससे जो जहरीली गैसें निकलेंगी जलने से वो वायुमंडल में मिल जाएंगी और फिर श्वास के रूप में हम सभी के शरीर में पहुंच करके हमें बहुत क्षति पहुंचाएंगी। नहीं सर, आधुनिक तरीके से जो जलाते हैं इनको उसकी कह रहा हूँ मैं। तो हमारी बुक में आया है क्वेश्चन नियंत्रण का, तो उसमें बताया गया है कि आधुनिक तरीके से इनको जला के हम ऊर्जा के रूप में काम ले सकते हैं। हाँ आधुनिक तरीके से फिर उसको जो हानिकारक गैसें निकलेंगी तो उनको हम फिर किसी ना किसी रूप में उनको ट्रैप करके किसी ऐसे विलयन में घोल करके जिससे वो वायुमंडल में नहीं जा पाए, यदि हम इस प्रकार से यूज करेंगे तो उनका उपयोग किया जा सकता है। सर आधुनिक तरीका क्या कैसा है, क्या है हमने बताइए तो। ये इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की भट्टियां होती हैं और इनके अंदर जब अपन इनको जलाते हैं तो इससे निकलने वाले जो ठोस कण हैं उनको हमें अलग करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे होते हैं जिससे ठोस कण उसमें से अपन अलग कर लेते हैं। और यदि जैसे मान लो कोई गैस निकल रही है उसके अंदर जलने से, यदि संभव होता है तो उस गैस को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वायु में निकलने के पहले जो हानिकारक गैसें हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं जिससे वो वायु में नहीं पहुंच पाए। यदि वो वायु में पहुंच गई तो फिर जो नीचे पड़ा था उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है वो। तो कई स्थानों पर इस प्रकार के लगाए गए हैं, पर बहुत सारे स्थानों पर पुराने टाइप के ही लगे हैं जहां पर कि बस केवल कचरे को जलाया जाता है। सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर, सर हाँ, वो थोड़ा इंग्लिश में भी समझा दीजिए सर। कौन सा? हाँ जो बेटा अभी कौन आप सा? समझा सर, जो अभी समझा रहे हैं थोड़ा इंग्लिश में भी। हाँ इसका जैसे वेस्ट डिस्पोजल्स में जो बर्निंग टेक्निक्स है ना, इसमें तो जब वेस्ट मटेरियल्स को बर्न करते हैं तो उससे निकलने वाली हानिकारक जो गैसें हैं, जो पॉइजनस गैसें हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेते हैं किसी प्लांट में किसी सॉल्यूशन में, और जो ठोस पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं
उनको भी किसी ना किसी रूप में हम कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो वायु में जो गैस निकलती है तो वह पॉइजनस नहीं होती। फिर इस तरीके से उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और जिससे वायुमंडल में कम से कम प्रदूषण हो। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।